हाँ जी बाबा जी, जो इस जगह का इतिहास है वो बारे थोड़ी जानकारी। सब तो पहला ना आई मीडिया प्रेस रिपोर्टर वेलकम करना जिन्हें अपना कीमती वक्त कट के इतने अपना मुआबे का इतिहास कथा दसने की कोशिश की है। तो बहुत खुशी की गल है, ये बाबा जी का इतिहास है जो कि चरपन नाथ जी का जो सदियों पुराना लगभग 1600-1700 साल पुरानी इस गद्दी का इतिहास जुड़िया हुआ, जिहड़ा कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए हैं जो कि चरपन नाथ जी जो कि 84 सिद्धों में से एक है। तो चरपन नाथ जी इस जगह के उत्ते आके धूनी लगा के बैठ जाते सी और जिन्हों के खेत से उन्होंने बाबे को तंग किया, प्रसन्न किया, साढ़े खेत चो बाबे उठ के कितने अगे पिछे चले जाओ। तो बाबा जी ने एक कुड़ी वाली जगह मंगी उन्हें को मैंने एक कुड़ी वाली जगह दिती जाए, बाकी अपनी खेतीबाड़ी करो। वो किसान जिमीदार नहीं लोग माने बाबा के सुहागा बैल भी चढ़ा देंगे सी कई बार उनके उत्ते। तो इस तरह काफ़ी एक महीना ये काम गुजरता रहा, उन्होंने परेशानी आती रही, तंग करते रहे। तो एक दिन का शाम का टाइम से जिमीदार बाबा ने कह लगे कि बाबा जी ये खेत छोड़ दो, 6 दिन तो तुम धक्के देंगे बाहर करना। तो बाबा जी ने एक रात में योग माया के नाल अपने 12 बजे तो लैके 4 बजे तक अपनी तपस्या के नाल हवा रस्ते जंगल वृक्ष खड़े कर दिए, जिहड़े कि लगभग 30-35 किले में जंगल खड़ा होया एक रात में। तो यदा नाँ इस कर बनया झटपट बनी पै गया ना, जो कि एक रात बन झटपट फटो काम जो काम होंगे है वो एक रात बन गया। तो जिते बाबा जी को सुहागा चढ़ाता सी उत्थे अज भी कुंड बने हुए हैं, जिन्हें कुंडा स्नान करने नाल जिथे माता भैणा नूं संतान प्राप्ति होंदी है और खाज फुड़ा फिंसी स्किन प्राण कोई भी कोट ददरी मौके ठीक होंगे ने इतने स्नान करने नाल। तो जो कि चरपन नाथ जी का इतिहास है मणि महेश चंबे नाल भी जुड़िया हुआ है, तो बाबा चरपन नाथ जी चंबे तो आए थे, चंबे च रेंदे हुए उन्होंने मणि महेश यात्रा की खोज की सी, जो अज भी फरमान है उसका। राधा अष्टमी दिन बाबा चरपन नाथ जी धुने तो चंबे तो सड़ी जाती है जो दुनिया दर्शन करती है। इस जगह का ना एक खास चीज़ हो जुड़ी हुई है, इस जंगल की लक्कड़ नहीं कोई छेड़ता, अगर कोई छेड़ता तो नुकसान भारी होना शुरू हो जाता है, इतों दातन तक नहीं कोई लेके जाता। जो लक्कड़ चलती है धूनी तो चल रही है, खासकर ये भी दिखा रही आती है, कभी इस लक्कड़ का कोलिया नहीं बनता है, उसकी बहुती दी जाती है जो बनती है, जो भगतों को प्रसाद रूप से दी जाती है। तो चरपल बनी का जी वन है, सदा हरा भरा रहता, तो कभी पत झड़ी आती है, तो ये चीज़ बहुत चीज़ दिखा रही है ना। तो पेड़ पौधे घोड़े भारी मिलने, इस तरह बालपन च पेड़ मिलते हैं। ये बाबा चरपन का इतिहास है जो सदियों पुराना इतने चलता रहा, और ना जाने किन्नी पीढ़ियाँ इतने यहाँ तप करते करते समाधि ले गई हैं। तो आज भी यहाँ जो बैठे हैं किन्नी पीढ़ी चल रही है कोई ख्याल नहीं है, कोई पता नहीं है। तो चरपन नाथ जी का बिना अखंड चलता सदियों पुराना आज भी मौजूद है, जो 24 घंटे में चलता रहता है। तो जे चरपन नाथ जी अमर है, उन्होंने कभी चोला शरीर नहीं छड़िया हुआ है, गुरु गोरखनाथ के चेले हुए हैं, इन्होंने अपने योग माया के नाल एक राज्य बन खड़ा करना बनाता चटपट बनी नाँ के जो प्रसिद्ध होया, जिहड़ा कि गुरदासपुर तो लगभग 30-35 किलो दूरी से पैंदा है। जे पठानकोट तो आने असी तो पठानकोट तो गुरदासपुर रोड से 15-20 किलोमीटर दूरी से पैंदा है। तो इतने मेला बहुत विशाल भारी लगता है, शिवराती का मेला बड़ा भारी 3 दिन तक मेला रहता है। इतने लगभग लोग हरियाणा तो पंजाब तो कोई जम्मू तो कोई राजस्थान तो दिल्ली तो दुनिया इतने चल के आती है, उन्होंने बाबा जी मनोकामना पूरी करते हैं, नतमस्तक होते हैं, ढोलियां भरते हैं बाबा जी के दरबार को आकर। जय बाबा जी, जय बाबा चरपन नाथ जी।